बोलते भी हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, आप इंटरनेट के ऊपर भी यूजली सर्च करते होंगे कि हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपको भी पता है इसके बेनिफिट्स अमेजिंग है। सूरत जैसी भी है, सीरत तो आपकी जुबान से ही पता चलेगी, जब आप बोलोगे तब पता चल जाएगा कि आप कहां पर जो है स्टैंड करते हैं। और इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इस वीडियो में तीन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स में आपके साथ जो है शेयर करूंगी, जो यूजली लोग करते हैं, आपने करते देखे होंगे, बट आई वॉन्ट यू टू स्टॉप लाइक दिस, कि आपने ये सारी चीजें जो है करनी छोड़नी है, ये कम्युनिकेशन मिस्टेक्स है, सो दैट आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप कर पाए। तो चलिए जानते हैं पहली कम्युनिकेशन मिस्टेक कौन सी है जो यूजली लोग करते हैं। तो पहली मिस्टेक क्या करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। तो आपने क्या है, डोंट इंटेरोगेट, आपने इंटेरोगेशन जो है नहीं करनी है, आपने कन्वर्सेशन करनी है। इसके तो आपको हजारों एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे अपने आसपास, लोग यूजली ये मिस्टेक करते हैं, स्पेशली अगर आप अपने रिलेटिव्स की बातों को ध्यान से अगर सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा। एक तो तब, या फिर जब लोग बहुत देर बाद मिलते हैं किसी से, तब वो एक्साइटमेंट में या पता नहीं क्या है, वो ये भूल जाते हैं कि वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, वो इंटेरोगेट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहे हैं। क्वेश्चन की एक चीज पूछी, उसने उसका आंसर दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब अपने दिल में जो है वो पूछते रहते हैं, अपने दिमाग में जो है इस तरीके से कि जैसे पुलिस चोर से सवाल ही कर रही होती है कि मेरे को ये जाना है, ये जाना है, ये सब जानना है, वैसे ही वो भी कर रहे होते हैं कि एक के बाद एक क्वेश्चन कि मेरे को सब कुछ ही पता चल जाए। तो आपने ऐसे मिस्टेक्स जो है कभी भी नहीं करनी है, आपने इंटेरोगेट नहीं करना है, आपने कन्वर्सेशन करनी है। कन्वर्सेशन का मतलब पता है ना कि कुछ सवाल आप पूछो, कुछ दूसरा इंसान पूछे, बात हो रही है, फील आनी चाहिए वो कि हम बात कर रहे हैं, वो वाइब मैच होनी चाहिए। तो आपने क्या है, कन्वर्सेशन करनी है, इंटेरोगेशन नहीं करनी है। कभी भी ऐसे किसी के साथ बात करते हुए ये नहीं करना है कि आपने एक सवाल पूछा, उसके बाद आप दूसरा पूछ रहे हो, तीसरा पूछ रहे हो, फोर्थ नंबर पे जो सवाल है वो पूछ रहे हो, आपने ये चीज जो है करनी छोड़नी है। ये चीज जो आपने करनी है ना, ट्रीट एवरीवन इक्वली, आपने सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। यूजली लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो उन लोगों को तो अच्छे से ट्रीट करते हैं जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग जो है अच्छी होती है, अच्छे से वो बात करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट उन लोगों के साथ उनका बिहेवियर कुछ इतना खास नहीं होता है, मतलब ओके ओके सा होता है, इक्वली ट्रीट मतलब इक्वली ट्रीट। अब स्पेशली तब जैसे आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई है, ठीक है, वहां पर गेस्ट आ रहे हैं, कुछ लोग आपको हो सकता है ऐसे आ जाएं जो आपको पसंद ना हो या जिनके साथ आपकी कोई अच्छी खासी बनती ना हो, बट वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब लोगों को जो है इक्वली ट्रीट करो। आप एक चीज कर सकते हो कि आप उनके सामने ही कम आओ या उनके साथ इंट्रैक्शन अपना कम कर दो, बट अगर सब लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हो ना, वैसे ही आपको जो है उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ को बेसिक चीजों में इक्वालिटी जो है आपको मेंटेन करनी है। कुछ लोग ये चीज नहीं करते हैं, हो सकता है आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपने देखा हो, अगर आप पार्टीज वगैरह में जाते हैं देन आपने ये चीज जो है ऑब्जर्व करी होगी, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं होता है। अगर कोई समझदार इंसान दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर वो ऑब्जर्व करेगा, तो एकदम से पता चल जाएगा कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, और ऐसा ये सही नहीं रहता है। जो लोग जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है ना, वो ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करते हैं, इन सब चीजों में वो अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो आपने इस चीज का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने इक्वली जो है ट्रीट करना है सबको, स्पेशली जब आप कोई बात कर रहे हो सबकी, और आपने आई कॉन्टेक्ट बनाना है, सबको ही इंपॉर्टेंस देने की जो है कोशिश करनी है। थर्ड थिंग इज लिसन विद क्यूरियोसिटी, आपने क्यूरियोसिटी के साथ जो है दूसरे इंसान को सुनना है। ऐसा नहीं करते हैं लोग, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक को जल्दी है कि मैं बोलूं, अपने थॉट्स हर एक को एक्सप्रेस करने हैं, बट जब सुनने की बारी आती है तो कोई भी जो है अच्छे से सुनना नहीं चाहता है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है ना, देन आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इनके ऊपर जो है आपने वर्क करना शुरू करना है, क्योंकि जिसकी लिसनिंग अच्छी है ना, एक बात तो पक्की है कि उसके साथ दूसरे लोग बात करना पसंद करते हैं, अच्छे से उनकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो आपने पहले तो अपनी लिसनिंग स्किल्स जो है अच्छी करनी है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो लिसनिंग भी कैसे होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी के साथ जो है आपने सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, मतलब वैसे ही सुन रहे हो, जस्ट अपनी बारी का वेट कर रहे हो,
रहे हो कि जब मेरी टर्न आएगी मैं फटाफट जो है बोलना शुरू करूंगा, या मेरे आप अपनी ही बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सामने वाला कोई और बात कर रहा है, आप बीच में फिर अपनी वही बातें जिसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं या फिर उन्होंने उसके ऊपर बात खत्म कर दी है, बट स्टिल आप अपने जस्ट दिमाग को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप वही टॉपिक के ऊपर बार बार बात करें, जो टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर बात करो, उस हिसाब से आपने जो है कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं है कि आप एक अलग ही खिचड़ी पकाए जा रहे हो, तो ये चीज जो है आपने नहीं करनी है। क्रियोसिटी के साथ सुनो जिसको भी आप सुन रहे हो, नहीं तो सुनो ही मत, इट्स बेटर, ठीक है। मगर अगर आप सुन रहे हो क्रियोसिटी के साथ सुनो और ट्राई करो कि आप सिर्फ सुनो, ऐसा नहीं है कि आप बात बात में उनकी गलतियां निकाल रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, उनको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का आपने अच्छा खासा जो है मौका देना है, तभी आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनकी बात को जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है। अपनी लिसनिंग स्किल्स अच्छी करनी है और जिसको भी सुनना है क्रियोसिटी के साथ आपने सुनना है, बोलने में आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी जो है नहीं दिखानी है, बोलो सुनकर सोचकर समझकर फिर आपने जो है बोलना है। तो यही थी 3 का मिस्टेक्स जो यूजुअली लोग करते हैं कम्युनिकेट करते हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस जो है फैलाई जानी चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डिवेल्प कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रिलेटेड वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी जो है और वीडियोस देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।